अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से। गाइस अभी अभी एक न्यूज़ सुनने में आ रही है कि एक कोई ड्रामा यानी एक्टर है, वो उनका इंतकाल हो गया है। तो नाम क्या है? बहुत महमूद मशहूर है, महमूद साहब बुलबुल आदि। साहब बुलबुले है उनका नाम। यानी आप देखते होंगे हाँ ए आर बिल्कुल वाई पे, तो अभी बिल्कुल देखे देख सकते हैं। ये देखे ये है तो वो ये इनका नाम है महमूद साहब, और ये यार बुलबुले में आते हैं। तो वो आपको तस्वीर सही है नज़र ये महमूद साहब महमूद सब देख साहब। सकते जी हैं। हाँ, जी तो आप ही यहाँ पे देखी तस्वीर। तो ये इनका सुनने में आ रहा है कि इनका निकाल हो गया, बहुत से लोग कह रहे हैं। असल वजह क्या है वो ये आप देख सामने। सकते हैं कि तो इस तरह की कुछ फेक्स खबरें चल रही है कि महमूद साहब का इंतकाल हो महमूद गया, साहब का निकाल हो और गया नाइनटीन नाइनटी 1951 के अंदर पैदा हुए थे और शायद। 1923 के अंदर इंतकाल हो गया। जी हाँ, तो अब ये असल वजह क्या है? ये असल वजह आपको पता है? तो आप हम लोगों ने जी हाँ, ये सोचा बताइए कि इस आपको। बात पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, तो हम लोगों ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। तो उसमें हमने ये देखा कि जो गूगल बाबा है हमारे, मतलब जो गूगल पे हमने सर्च मारा तो हमें ये पता चला कि महमूद साहब अभी जिंदा है। महमूद उसकी मैं साहब मूवी जिंदा को आपको है, दिखा देता लेकिन हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मर चुके हैं। ज़्यादा ये देख इसकी सकते हैं ज़्यादा आप, लोग है ना, अरे अफवाह ये ज़्यादा फैल रही है कि भाई महमूद साहब मर चुके ये हैं। देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फट हो जाए। देखिए अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि देखिए इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि महमूद वसलम जो पाकिस्तानी टेलीविजन एक्ट्रेस, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया जो है कि पैदा तो हुए लेकिन इनका भी डेथ का कोई कोई सीन नहीं है, यानी कि अगर डेथ होती तो पता चल जाता। जैसे अशर शरीफ खादिन थे, कौन से थे, अशर तो शरीफ में जी, वहां तो पे जब ये उनका कीनिया का उनकी बताया डेथ था। हुई थी तो फौरन ये आ गया था कि फलाने जगह पे लाइव, मतलब अभी हुई है, करंट को बता रहे थे ये कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है बात, सही तो बात इस है। हवाले से कि ये फेक खबर है। तो इसलिए जो हमने कोशिश करी, पूरी कोशिश करी इसकी तरफ तक पहुँचने के लिए, तो उसमें हमारे को एक जो है वो मिला, क्या मिला, सबूत सबूत मिला, मिला ताकि पता है कि चले कि क्या है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ लेकिन मैं वॉइस में नहीं प्ले कर सकता, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, जी तो हाँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप कॉपीराइट देख सत्ता सकते है। हैं। देखिए वीडियो ये देखिए, ये बता भी रहे आप, थोड़े इसको यार नीचे कर लें, ज़्यादा नहीं चलाए क्योंकि इससे यार खतरा हो सकता है। तो चल अब ये आप देख तो सकते हैं कि इसके अंदर ये पता चल रहा है कि उन्होंने यही बात कही कि लोगों ने झूठी खबरें जी चला हाँ, दी हैं झूठी खबर चला दी कि मैं मर चुका हूँ और मैं आपके सामने जिंदा सलामत से बैठा हूँ। तो ये इस तरह की लोग हरकतें कर रहे हैं कि बस किसी तरह हम लोग फेमस हो जाएं, कुछ ये किसी को मार के व्यूज लोग की वजह से व्यूज, मेन चीज ये होती है, हाँ लोगों ये को ये गलत, है ना ये गलत बस चीज़ है, ये बस बहुत व्यूज गलत ज्यादा आ है, जाए, ये ये आ गलत जाए। चीज़ है ये हमारे मतलब। के लिए हमारे ये वीडियो के ये बनाने यही मकसद था कि आपको दिखा दें कि ये जी हाँ, महमूद वो साहब डिस्कस इनका कर रहे नाम हैं है और ये जिंदा है। और ए आर वाई कौन सी बात है? एयरवाई डिजिटल, हाँ, ए आर वाई जिसमें डिजिटल बात है, बुलबुले ड्रामा आता है बुलबुले ना, ड्रामा आता है और शायद उनका संडे सीजन टू को भी चल रहा है। जी। तो ये तो गलत बात है जो हाँ, लोगों तो ने कर दी ये है। बस क्या कह सकते हैं, बस ज़्यादा सी व्यूज़ के चक्कर में। उन्होंने खुद ने बताया कि भाई मैं ये बहुत फेक न्यूज़ चल रही है, ये झूठ है कि मैं जिंदा हूँ, और ये कह देख रहे कि सकते नमाज जनाजा कर हैं, अभी लें। भी मैं देख ये रहा हूँ, लेकिन देखिए लोग जो है हाँ, झूठी झूठी खबरें लोगों ने तो चला बस ये दी है। छोटा मैसेज था गाइस, उन्होंने उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस इसलिए हमने कहा ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, तो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। बस ये छोटा मैसेज था, और ठीक है गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। ओके, अल्लाह।